हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल तो ये टू तो बी विद यू का 40 एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा और फ्रेंड्स अगर अब तक आपने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई रिक्वेस्ट यू की मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना सो सो फ्रेंड्स फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ताकि डॉक्टर्स मियाँ को कॉल करती है और उसको बताते हैं कि उसके डैड कोमा से बाहर आ गए हैं मिया जैसे ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश जाती है उसके बाद वो वे को भी ये बात बताती है वे भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश जाती है थोड़ी ही देर में ली दो मिया और वे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं थोड़ी ही देर में जैसे ही मिया की नजर अपने डैग पर पड़ती है तो वो उनको कस कर गले लगा देती है फिर उनसे बोलती है की अब आप ठीक हो गए हो अब मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी उसके बाद मैं यहाँ डॉक्टर से बोलती है कि अब तो मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए अब मैं इन्हें घर ले जा सकती हूँ अब तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना ये सारी बात सुनकर डॉक्टर उससे बोलते हैं कि इनको अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन इनको रेस्ट तो अभी भी लेना पड़ेगा दूसरी तरफ उरे की माँ मोरे के डैड से मिलने के लिए आई होती है और उन्हें समझाती है कि उन्हें ऊँचालिंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि उन्होंने वाकई में उसका और उसकी बेटी का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा था फिर उसके बाद उरे की मोम उनसे बोलती है कि आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी सच्चाई बताने वाली हूँ शायद तुम्हें मेरी बात मजाक लगे लेकिन ये बिल्कुल सच है तुम्हें पता है ओयांग तुम्हारा बेटा है जैसे ही ओर की मोम ओरे के डैड से ये सब बोलती है तो ओरे के डैड को उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो उनसे बोलते हैं तुम मेरे साथ फालतू मजाक मत करो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है फिर ओयांग की मोम उनसे बोलती है की ये बिल्कुल सच है ओयांग का ब्लड ग्रुप ना ही मुझसे मैच हो रहा है और ना ही ओचालिंग से उसका ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है तो तुमसे इसका मतलब कि तुम ही तो उसके डैड हो ओयांग तुम्हारे कन्वीनियंस स्टोर में तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए आया था लेकिन तुमने उसकी बात ही नहीं सुनी और तुम्हें पता है ऊचालिंग ने आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर और आधी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों के नाम पर और आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर कर दी है क्या तुम अभी भी उसके लिए बुरा बोलना चाहोगे ये सारी बात सुनकर ओर के डरू ऐसी बोलते हैं कि मुझे ऊँचा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है आज तक तो उसने कभी मेरी कदर समझी नहीं तो मरने के बाद वो मुझ पर इतनी मेहरबानी की लुटा रहा है जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया है ना मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा ये सारी बात सुनकर ओरे की बॉम रोते हुए उनसे बोलती है कि ओयांग तुम्हारा बेटा है और बीस साल से ओ चालिंग उसे पाल रहा है यही नहीं उसने तो उसे अपनी कंपनी का चेयरमैन भी बनवा दिया है तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है क्या अभी भी तुम्हें बस उससे बदला ही लेना है जेल से आने के बाद तुम इतने बुरे इंसान बन जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था दूसरी तरफ मिया अपने डैड के सामने जाती है और उनसे बोलती है कि डैड अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हो ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सच में आप कितने लंबे टाइम से आराम कर रहे थे आपको पता है जब मैं आपको इस हालत में देखती थी तो मुझे कितना ज्यादा बुरा लगता था बट फाइनली अब आप ठीक हो गए सब कुछ ठीक हो जाएगा ये सब सुनकर उसके डैड उससे बोलते हैं कि भले ही मैं कोमा में था लेकिन मैं तुम्हारी सारी चीजें सुन रहा था मैंने देखा कि तुमने मुझे ठीक करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है तुम कितनी ज्यादा परेशान हो रखी थी ये सारी चीजें देखने के बाद भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया प्लीज तुम मुझे माफ कर दो फिर मियापे डैड से बोलती है कि डैड आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है इसमें आपकी कोई गलती थोड़ी थी भाई तुम्हें मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप छत से नीचे कैसे गिरे क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ये सारी बात सुनकर उसके डैड उससे बोलते हैं कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ दरअसल मैं छत पर गया था तो मेरा पैर फिसल गया जिसके कारण मैं वहाँ पर से नीचे गिर गया खैर अब मैं ठीक हो गया हूँ तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा हमें पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए थोड़ी देर में उंग ओरे के डैड के सामने जाता है और उनको अपने डी एन ए के टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है जैसे ही ओरे के डैड वो रिपोर्ट देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और उनको फाइनली ये विश्वास हो जाता है कि ओयांग उन्हीं का बेटा है ये सारी चीजें उनको बताने के बाद ओयांग उनसे बोलता है कि आपको ऐसा लगता है ना कि ओ चालिंग की लाइफ बहुत ही अच्छी थी उनके पास बहुत सारा पैसा था उनके पास उनकी फैमिली थी और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान भी थे बट आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं ओ चालिंग एक सच में बहुत ही अच्छे इंसान थे लेकिन हमने उन्हें कभी भी उस तरीके ऐसी ट्रीट नहीं किया जिस तरीके ऐसी हमें उन्हें करना चाहिए था मैंने कभी भी उनकी बात नहीं मानी और उन्हें इग्नोर मार कर बस हमेशा अपने काम ऐसी बचने के लिए वर्ल्ड टूर किया करता था वो हमेशा बस मुझे ढूंढते ही रहा करते थे उनका ये सपना था की मैं इस कंपनी को और एक काबिल इंसान बनू लेकिन जैसे ही मैं ऐसा इंसान बना वैसे ही वो इस दुनिया से चले गए मेरी मॉम जब कभी भी उनसे बात करने की कोशिश करती थी तो मेरी मॉम उन्हें इग्नोर मार कर वहाँ चली जाती थी और उनको इरिटेट किया करती थी लेकिन जब आज वो उनकी इज्जत करना चाहती है वो इस दुनिया में नहीं है उनको भी अपनी गलती का एहसास है और दूसरी तरफ ओरे उनको हमेशा से ऐसा लगता था की ओरिंग मुझे ज्यादा अच्छा मान दे क्यूँकी मैं उनका अपना बेटा हूँ लेकिन आज देखो मैं तो उनका अपना बेटा भी नहीं निकला लेकिन आज ओरे को भी इस बात का एहसास है कि वो उनको उतना ही प्यार किया करते थे जितना प्यार वो मुझे किया करते थे ओयांग की बातें सुनकर ओरे के डैड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है इसलिए वो रोने लग जाते हैं और उसके बाद ओयांग से बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो इसमें सारी गलती मेरी है मैंने कभी भी उसकी इज्जत नहीं की बट तुम मेरी तरह कभी भी मत बनना मैं एक अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ मैंने हमेशा सबको बस दुखी दी है मैंने ना कभी अपनी फैमिली की कदर समझी और ना ही कभी अपने दोस्त की मैंने हमेशा वह सबको दुखी पहुंचाया और आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है आई विश कि मुझे अपनी गलती सुधारने का कोई मौका मिलता तो मैं अपनी गलती पक्का सुधारता बट मैं एक बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ मैंने सबके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है तो ओयांग उनसे बोलता है की अभी भी आपके पास टाइम है आप अपने आप को सुधार सकते हैं जो कुछ हुआ है उसको भूल जाइए और अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करिए फिर उरे के डैड उनसे बोलते हैं कि किस तरीके से मैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट करूं मैंने सबके साथ इतना ज्यादा बुरा किया है प्लीज आज के बाद तुम कभी भी मेरे सामने मत आना और ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से भाग कर चले जाते हैं थोड़ी ही देर में ओयांग सीओ के घर पे जाता है और उससे बोलता है की उससे अब उससे शादी नहीं करनी है ये सब सुनकर सीओ बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और ओयांग से बोलती है की अब तक तो तुम्हें मुझसे शादी करनी थी लेकिन अचानक से तुम्हें क्या हो गया है सियू के डैड को भी ये सारी बातें सुनकर बहुत तो ज्यादा गुस्सा आता है और वो ओयांग को बोलते हैं कि तुम अपनी बातों से इस तरीके से पीछे कैसे हट सकते हो तुम्हारे डैड ने भी बोला था कि वो सियू को अपनी बहू बनाना चाहते हैं और तुम्हें सियू से शादी करनी चाहिए जब आज वो इस दुनिया में नहीं है तो तुम उनका प्रोमिस तोड़ कर उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो फिर ओयांग उनसे बोलता है की अंकल मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मैं सियू को पसंद नहीं करता हूँ इसलिए मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता हूँ तो उसके बाद सियो के डैडो ऐसी बोलते हैं कि तुम जैसे लड़कों से तो मुझे बात ही नहीं करनी है कभी तो तुम अपना प्रॉमिस निभा लिया करो और ऐसे कहकर वो वहाँ पर से चले जाते हैं थोड़ी ही देर में ओयांग सी से बोलता है कि वो उसके साथ शादी इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि मिया उसकी अपनी बहन नहीं है इसका मतलब की जो ओरे के डैड है वो उसके डैड है ओ ओचालिंग उसके डैड नहीं थे ये सारी बात सुनकर सियो शॉक हो जाती है और उनसे बोलती है कि अच्छा अब मुझे सारी बात समझ में आ गई है तुम दोबारा से मिया के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो ना इसलिए तुम मुझे छोड़ रहे हो ना आखिरकार है क्या उस मिया में जो तुम मुझे हमेशा उसके लिए छोड़ देते हो तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना ज्यादा हर्ट होता है तो उसके बाद ओयांग सीओ ऐ बोलता है कि मैं क्या करूं मैं मियाँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और उसके अलावा मैं किसी के साथ भी रहने की सोच भी नहीं सकता हूं तुम्हें पता है जैसे मुझे पता चला कि मियाँ मेरी बहन नहीं है ये सारी बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा प्लीज सियो तुम मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ ये सारी बात सुनकर सीओ उससे बोलती है की उस मियाँ की तुमने मुझे छोड़ दिया ना इसीलिए मेरे घर ऐसी निकल जाओ मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है सीयू की बात मानकर ओयांग वहाँ पर से चला जाता है थोड़े ही देर में जैसे ही ओयांग अपनी गाड़ी में बैठने वाला होता है तभी पीछे से सीयू सिय आवाज लगाती है और भाग कर आकर उसे गले लगा देती है और उसके बाद वो उससे बोलने लग जाती है कि जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा मुझे माफ कर दो तो, मेरा ऐसा कुछ भी मोटिव नहीं था मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ प्लीज तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर मत जाओ मैं हमारे रिलेशनशिप में पूरा हंड्रेड परसेंट दूंगी और तुम्हें कभी भी अपसेट नहीं करूंगी और तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी मुझे पता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में अभी कुछ भी नहीं है लेकिन मैं अपना हंड्रेड परसेंट दूंगी कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करो जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ ये सब सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कितने बार बताऊँगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ मैं सिर्फ मियाँ से प्यार करता हूँ इसीलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और ऐसे ही कहकर ओयांग वहाँ पर से चला जाता है दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में चैन से उरे के डैड की कन्वीनियंस स्टोर में जाता है और उनसे कहता है की मियाँ के डैड को होश आ गया है। और अगर उन्होंने गलती से भी तुम्हारी और मेरी सच्चाई किसी के भी सामने बता दी ना तो हम दोनों को अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी फिर उरे के डैड उससे बोलते हैं कि हमने पहले ही इतने सारे बुरे काम किए इसलिए हमें आधे से ज्यादा जिंदगी अपनी जेल में ही बितानी चाहिए तो चैन से उससे बोलता है कि हमने नहीं तुमने तुम्हारी वजह से मैंने मियाँ के डैड को छत से नीचे गिराया था तुमने अगर मुझे ऐसा करने के लिए नहीं बोला होता तो मैं ऐसा नहीं करता बट तुम देख लेना अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं और ऐसे ही चैन ऐसी वहाँ पर ऐसी चला जाता है थोड़ी ही देर में भी अपने भाई ऐसी बोलती है की भैया आप एकदम बेस्ट हो वैसे कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप और मैं कितने ज्यादा डिफरेंट है आप जहाँ मल्टी टैलेंटेड हो और आपको सारा काम आता है वही मुझे कुछ भी नहीं आता है प्लीज क्या आप मुझे भी अपनी तरह स्मार्ट और एकदम टैलेंटेड बना देंगे और ना मुझे बहुत ही टेस्टी खाना बनाने भी सिखाना तो फिर उसका भाई उससे बोलता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत है बाय द वे तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तुम कुछ तो सीख जाती हो हमेशा बस ऐसे ही बने रहना और हमेशा नई नई चीजें सीखते रहना जब वो इसी तरीके से वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर ओयांग आ जाता है और ओयांग लीधु से कहता है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है लीधु ओयांग की बात मानकर उसके साथ चला जाता है थोड़ी ही देर में वे भी उन दोनों के पीछे उनकी बात सुनने के लिए चली जाती है उसके बाद ओयांग लीधु से कहता है कि मुझे तुम्हें आज बहुत ही जरूरी बात बतानी है ओ चाहिए मेरे बायोलॉजिकल डैड नहीं है बल्कि मेरे बायोलॉजिकल डैड वही है जो ओरे के डैड है इसका मतलब कि मैं और ओरे असल में भाई बहन है मियाँ मेरी बहन नहीं है ये सारी बात सर कर ली तो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और उसके बाद ओयांग से कहता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन तुम मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहे हो ओ अब मुझे समझ में आया की तुम्हें मियाँ के साथ दोबारा से रिलेशन में आना है ना फिर उसके बाद ओयांग उससे बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जिस दिन मैंने ये बात सुनी उस दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल से एक बहुत ही बड़ा बोझ चढ़ गया है और उसी दिन से मैं मियाँ के बारे में सोचना भी बिल्कुल बंद नहीं कर पा रहा हूँ प्लीज मुझे मियाँ के साथ दोबारा से रिलेशन में आने दो ये सारी बातें सुन गुरवे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ओयांग के सामने आकर बोलते है की तुम अब क्या आपको समझते क्या हो तुम्हें क्या लगता है की फीलिंग सब तुम्हारे ही अंदर है और तुम्हे बुरा लगता है हमको भी बुरा लगता है मेरा भाई भी मियाँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और अब हमें कुछ भी नहीं पता है मियाँ वाइफ बनेगी तो मेरे भैया की बनेगी बहुत मजाक बना लिया तुमने हम सबका जब वे इसी तरीके से से ये सारी बातें बोल रही होती है तभी उसका भाई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे चुप करा देता है ये सारी बातें सुनकर वे अपने भाई पे चिल्लाने लग जाती है और उससे कहती है की कब तक आप इस तरीके से अपने फीलिंग को छुपाते रहोगे हमेशा आप ही क्यों सेक्रीफाइस करोगी जब कभी भी सैक्रीफाइस करने की बारी आई है तो हमेशा आपने ही सेक्रीफाइस करा है अब बार आप सेक्रीफाइस नहीं करोगी और ऐसा ही कहकर वे अपने भाई के सामने रोने लग जाती है अपनी बहन को देख कर ली दो उसको हल्की से स्माइल देता है और उसके बाद ओयांग से बोलता है कि अच्छा तुम यहाँ पर मिया के साथ रिलेशन में रहने के लिए मेरी परमिशन लेने के लिए आए हो बट मैं कोई नहीं होता हूँ जो मैं तुम्हें परमिशन दूँ मिया कोई चीज नहीं है जो उसे कोई भी खरीद ले और मैं तुम्हारे फीलिंग ऐसी रिस्पेक्ट करता हूँ बट अब सारी बात मिया के पास है हम मिया के पास जाएंगे और उसे ये सारे सिचुएशन बताएंगे अगर मिया सच में अभी भी तुम्हें पसंद करती है तो मैं पीछे हट जाऊंगा और तुम दोनों को अपने ब्लेसिंग दूंगा क्योंकि हाँ मैंने मिया से बहुत ज्यादा प्यार किया है उस दिन से जिस दिन से मैंने उसे पहली बार देखा था बट मैंने उसे कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई बट मैं आज बोलना चाहता हूँ कि मैं उसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा बस उसे खुश देखना चाहता हूँ चाहे मैं उसे खुश अपने साथ देखूँ या तुम्हारे साथ देखूँ और मुझे ये भी पता है की मिया मेरे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगी क्यूँकी वो असली प्यार तुमको करती है इसीलिए मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि तुम उसका हमेशा ध्यान रखना और उसे कभी भी दुखी मत होने देना क्योंकि पहले से ही उसने लाइफ में बहुत सारे दुख झेले हैं अभी उसकी लाइफ में खुशी आई है इसीलिए उसके इन खुशियों को कंटिन्यू रखना और ऐसा ही कहकर लीडो वहाँ पर से चला जाता है वे लीदो के साथ नहीं आती है बट लीदो उसका हाथ पकड़ कर उसको वहाँ पर से लेकर चला जाता है वहाँ पर से जाते जाते भी वे उयांग से कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी तुमने मेरे भाई के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है तभी उसका भाई उसका हाथ पकड़ता है और उसको गले लगा देता है जैसे ही लीदो वे को गले लगाता है तो वे रोने लग जाती है और लीदो की भी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं दो तो तरफ चैन से मियाँ के स्टॉल में उसे देखने के लिए आता है मिया जैसे ही उसे देखती है तो वो उसे अंदर आने के लिए बोलती है और खाना खाने के लिए बोलती है लेकिन चैन से उसकी तरफ देखता है और रो कर वहाँ पर से बिना कुछ कहे चला जाता है दो तो तरफ ओरे के डैड को अपनी गलती का एहसास होता है और उसको फाइनली लगता है कि उसकी बीवी और उड़े उससे जो कुछ भी कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे उसको उनकी बात मान लेनी चाहिए थी अगर वो उसी टाइम उनकी बात मान लेता तो आज वो अपने इतने अच्छे दोस्त को खोता नहीं थोड़ी ही देर में मिया की आंटी भी मिया के डैड को देखने के लिए जाती है और उनसे बोलती है कि मैं आपके लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आ रखी हूँ और वो फ्रूट्स मैंने अपने पैसों से ले रखे है अपनी आंटी की बात सुनकर मिया अपने डैड से कहती है की ये ही नहीं डैड अब आपको पता है की आंटी जॉब भी करने लग गई है और उन्होंने जुआ खेलना भी छोड़ दिया है जब मिया के डैड ये सारी बातें सुनते हैं तो वो बस मिया की आंटी को देखते ही रहते हैं तो मिया की आंटी उनसे बोलती है कि आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं मैंने प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी करवाई है भाई तभी आपको शौक होने की जरूरत नहीं है मेरा पुराना वर्जन अब मर चुका है ये सारी बातें सुनकर मिया के दारू से बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो और तुम्हें इतना खुश और इतना अच्छा बिहेव करते हुए देख कर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है आई विश की तुम हमेशा ही ऐसे रहो और हमेशा इसी तरीके ऐसी खुश भी रहना फिर मिया की आंटी उनसे बोलती है की हाँ भैया मैं तो हमेशा इसी तरीके ऐसी ही रहती हूँ क्यूँकी आपका साथ मेरे साथ जो है बाय द वे आप अपनी तबीयत का ध्यान रखना और मुझे जॉब पर जाना है इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा मैं आपसे दोबारा मिलने के लिए आऊंगी तब तक के लिए आप अपनी तबीयत का ध्यान रखना जैसे ही मिया की आंटी वहाँ पर से चली जाती है तभी मिया को ओयांग का कॉल आ जाता है और ओयांग मिया को मिलने के लिए बुलाता है ओयांग की बातें सुनकर मिया उससे पहले तो मिलने के लिए मना करती है लेकिन उसके बाद जैसे ही ओयांग उसे जबरदस्ती करता है तो मिया उससे मिलने के लिए चली ही जाती है थोड़ी ही देर में जब कर चैन से किसी तरीके से ओरी के ऑफिस में चला जाता है उड़े जैसे ही चैंसे को देखती है तो वो उसे बोलती है कि की बिना मेरी परमिशन के तुम मेरे ऑफिस में कैसे आ सकते हो फिर चैन से उसे बोलता है की तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी अभी भी तुम ये सब कह रही हो मैं तुमसे यहाँ पर ज्यादा फालतू बात करने के लिए नहीं आया हूँ बस मैं तुमसे यहाँ पे कुछ डील करने के लिए आया हूँ तुमको मेरे साथ रिलेशन में नहीं रहना है तो मत रहो बट तुम्हें मुझे उसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे देखो अगर तुम मुझे पैसे दे दोगी ना तो मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा कभी भी नहीं आऊंगा लेकिन अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और हमेशा तुम्हारा बस इसी तरीके से पीछा करता रहूंगा चैनसे की बातें सुनकर ओर उससे बोलती है की देखा मैंने तुम्हें कहा था ना की तुम मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए हो आ गए ना तुम अपनी असली औकात पे तुम जैसे लड़के को तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी ना दू जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है और ऐसे ही कहकर और अपने सिक्योरिटी गार्ड को फोन लगाती है और उससे बोलती है कि चैन से उसके ऑफिस में आ रखा है और वो उसको हैरेस कर रहा है चैन से जैसे ये सारी बातें सुनता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर से भागकर चला जाता है वहाँ पर से जाते जाते भी चैन से से बस यही कह रहा होता है कि वो उसको छोड़ेगा नहीं और जैसा ओरे ने उसके साथ किया है वैसा ही वो भी उसके साथ करेगा ओरे को चैन से की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो उसको इग्नोर मारकर अपना काम करने लग जाती है तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी और नेक्स्ट एपिसोड इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड है तो उसे देखना भूलिएगा मत तो चलिए फ्रेंड्स बाय